मजबूत स्क्रिप्ट, अच्छी डायरेक्शन और मंजे हुए अदाकार, ये वो सब चीजें हैं जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ढूंढने से भी नहीं मिलती। और इस सितम की वजह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हुकूमत की सरपरस्ती ना मिलना है। लाहौर के सिनेमाघर, जो किसी जमाने में किसी नई नवेली दुल्हन की तरह जगमगाते दिखाई देते थे, आज इतने खस्ता हाल है कि सिनेमा मालकान सिनेमाघरों को बेचकर कोई दूसरा जरिया मौश अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल पर अवाम कितनी नाला है, आइए सुनते हैं अवाम की जबानी। इस माशरे का तालीमी इंस्टीट्यूट, समाज को जिसने एजुकेट करना है, वो बंद हो जाए तो ये वजह है कि इस पर तवज्जो दें और इसको एक इंस्टीट्यूट समझा जाए, जो समाज का एक अदारा है, तालीम है, लोग सीखते हैं फिल्म से। सैलमा एस करके ख़त्म हो गए, ना सैलमा ये काम रह गया, ना एक्टर रह गए ने। सैलमा घाट दोबारा खुलने चाहिए और इसमें जो मज़ा था वो अब स्टेट ड्रामे में नहीं है। ये लक्चरपन और ये वलवरा, ये फांसी जो फैल गई है, ये हुकूमत की नहली है, गुड गवर्नेंस नहीं है यहाँ। लाहौर में बहुत से सिनेमाघर तो बंद हो चुके हैं और जो सिनेमाघर अभी भी कारोबार कर रहे हैं वो ज्यादातर इंग्लिश या भारतीय फिल्मों की नुमाइश करके सिनेमाघरों के अखराजात पूरे कर रहे हैं। 700 सिनेमाघरों से जो तादाद कम होते होते 200 सिनेमा मुल्क में रह गए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फिल्मों की कमी है। और 200 जो बचे हुए हैं उसकी जो वजह है वो इम्पोर्ट पॉलिसी के तहत आने वाली इंडियन फिल्म है, इंग्लिश फिल्में हैं कि जिन्होंने सिनेमा घरों को काफ़ी हद तक संभाल लिया है। सही फिल्म बनाते नहीं पाकिस्तान, सही फिल्म बनती है फिर चलती है। फिल्में जहां अवाम की मियारी तफरी का जरिया होती हैं, वहीं इन फिल्मों से वाबस्ता लाखों अफराद के घरों का चूल्हा भी जला करता था। अगर हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री की बका और सालमियत के लिए अभी भी कोई मौसर इकदाम ना किए तो आखिरी सांसें लेती ये फिल्म इंडस्ट्री बहुत जल्द दम तोड़ देगी। कैमरामैन शेर खान और साथी रिपोर्टर शाहरुख के साथ आसिम भट्ट, डॉन न्यूज़, लाहौर।